नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। धारा 370 हटाए जाने के कुछ दिन पहले से ही कश्मीर में अर्धसैनिक बलों का संख्या जो है वो बढ़ा दिया गया था। पहले 10,000 और फिर 8,000 की संख्या में वहां पर सैनिक पहुंच गए थे। साथ ही साथ वहां पर जो लोग घूमने आए थे, जो वहां पे टूरिज्म में लोग आए हुए थे, उन्हें भी यह बात का नोटिस जारी कर दिया गया था कि वो कश्मीर घाटी को खाली कर दें। और वहां का जो स्थानीय निवासी है, कश्मीर के जो लोकल लोग हैं, उन्हें भी इस बात का चेतावनी दे दिया गया था कि वो अपने घर में रहें, स्थिति कर्फ्यू जैसी होगी। 6 अगस्त को संसद से धारा 370 का बिल लाया जाता है और उसी दिन वो धारा 370 को हटा दिया जाता है। 7 अगस्त को हमें वो पहला वीडियो मिलता है जिससे हमें कश्मीर की स्थिति का पता चलता है। उस वीडियो में हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल अब कुछ वहाँ के लोकल लोगों के साथ सोपियंस, जो कि एक जगह है कश्मीर में, वहाँ पर बिरयानी खा रहे थे। पर अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि उसी स्थान पर उसी वीडियो में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है मंसूर अहमद मागरे। उनकी उम्र 62 साल है और उनका कहना है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद उनके और उनके परिवार की जिंदगी पर काफ़ी असर पड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस में बसारत मसूद की बायलाइन से यह रिपोर्ट छपी है। बसारत ने सोपियंस के मंसूर अहमद मागरे की खोज निकाला है। वे सोपिया के अलियालपुरा में रहते हैं। मंसूर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फॉरेस्ट रेंज अफसर हुआ करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं। एक सीनियर सिटीजन फोरम में यहाँ उनके संयोजक हैं। वीडियो की सूरत कैसी बनी इसके बारे में मंसूर कहते हैं कि 7 अगस्त को दोपहर की नमाज के लिए मैं घर से निकला था। कश्मीर में बंद को 2 दिन हो गए थे, तब ही मैंने सादी वर्दी में पुलिस वालों को देखा। वे लोग बाइक पर थे, उनके साथ सीआरपीएफ भी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे डीजीपी से मिलना होगा। मैं उनकी बाइक पर बैठ गया। वे लोग मुझे लेकर थाने गए। वहाँ 5-6 लोग पहले से ही बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ड्राइवर था, दूसरे का बेटा हिरासत में था। हमने कुछ देर वहाँ इंतजार किया मगर कोई नहीं आया। मुझे लगा कि शायद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। यही सोचकर मैंने पुलिस वालों से कहा कि मुझे वो जेल भी दिखा दें जहाँ मुझे कैद करने वाले हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि कैद करने जैसा कुछ नहीं है। कुछ देर बाद मैं वहाँ से निकलने ही वाला था कि वहाँ एक जिप्सी आई। हमसे कहा गया कि हम एक एम्बुलेंस में बैठ जाएं। वह एम्बुलेंस हमें लेकर बस स्टैंड गई। वहां सड़क के दोनों तरफ सेना की खूब गाड़ियां खड़ी थी। वहां 5 से 6 कैमरामैन भी थे। मंसूर आगे बताते हैं कि हमें वहां एम्बुलेंस से उतारा गया। दो तो सोपिया के एसपी संदीप चौधरी और डीजीपी दिलबाग सिंह ने हमसे दुआ सलाम की। डीजीपी चाहते थे कि मैं किसी से बात करूं। फिर जैकेट पहने एक आदमी वहां आया। मैंने सोचा डीजीपी साहब का सेक्रेटरी होगा। उसने मुझसे कहा कि देखो, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। मैंने जवाब देते हुए कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। इस पर उस जैकेट वाले आदमी ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने से क्या फ़ायदा होगा। इस पर मैंने कहा इंशाल्लाह। फिर जब मैं उन्हें डोवाल से बात कर रहा था तो एकाएक मैंने देखा कि डीजीपी साहब और एसपी साहब दोनों उसके सामान में खड़े हैं। दोनों पीठ की तरफ उनके हाथ जोड़े खड़े थे। तभी मुझे लगा कि वह कोई पर्सनल असिस्टेंट तो नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि जैसे ही ये वीडियो आया था, वैसे ही सारे मीडिया हाउसेस ने इस वीडियो को वायरल कर दिया था। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो ट्रेंड कर रहा था और ऐसा बताया जा रहा था कि स्थिति जो है कश्मीर में वो तनावपूर्ण नहीं बल्कि शांतिपूर्ण है। पर अभी जो ये खुलासा किया गया है, इसके बाद फिर एक संशय बन गया है कि कश्मीर की घाटी में वाकई में क्या स्थिति है। कुछ मीडिया हाउसेज जैसे कि बीबीसी वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लगातार इस पर कवरेज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। तो वहीं दूसरे मीडिया हाउसेस इस बात का दावा करते हुए दिख रहे हैं कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें तो वहां से भी जो रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट के अनुसार भी कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण नहीं है। अब वहां की एक्चुअल स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, इस पर कोई वहां पर कश्मीर की वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। पर जैसा कि इस बुजुर्ग ने दावा किया है, कश्मीर में सब कुछ सही नहीं है। धन्यवाद।